Write a program in C to find the sum of all the elements of the array. So what basically we want to do is we want to find the sum of all the elements inside the array. Let's say we have an array having the elements 1, 2, 3, 4, 5 and the sum of these elements is 15. Okay, so ye to kafi simple hai aur humne pata bhi laga liya sum kya hai na. वेल मैंने पहले से कैलकुलेट करके रखा था बट पता चल जाएगा यार काफ़ी सिंपल है 1 2 3 4 5 कर दो और आंसर आ जाएगा. बट लेट्स से मेरे पास एक ऐसा एरे है जिसमें मेरे पास है टोटल 500 एलिमेंट्स है ना और उस एरे में जितने भी एलिमेंट्स लाइक 1 2 3 4 नहीं है बहुत बड़े बड़े नंबर्स जैसे 135 536 ऐसे रैंडम नंबर्स है तो उसकी कोई सीरीज भी नहीं बन रही है जो कि मैं फॉर्मूला डिराइव करके उसे सॉल्व कर दूँ. तो इस केस में हम क्या करेंगे, क्या हम उसका सम फाइंड कर सकते हैं? वेल हाँ, हमारे पास प्रोग्रामिंग स्किल्स है तो हम कर सकते हैं. तो देखते हैं किस तरीके से हम वो चीज़ों का सम फाइंड कर सकते हैं, अल्टीमेटली हम किस तरीके से एक एरे के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उसका सम फाइंड कर सकते हैं. ओके, सो यहाँ पर हमने लिखा है, पहले हम लिखते हैं प्रिंट एंटर द लेंथ ऑफ एरे और यहाँ पर हम यूज़र से ये इनपुट लेंगे और इसलिए हम स्कैनफ लिखेंगे इधर और इस स्कैनफ के अंदर विल जस्ट से परसेंट डी विल स्टोर दिस इन एन. ओके, मतलब एन अब क्या है हमारा लेंथ ऑफ एरे. ओके, सो नाउ विल यूज फॉर लूप और हम इसमें पहले तो इनिशलाइज करते हैं आई की वैल्यू 0 0 क्यों, क्योंकि हमारा इंडेक्स वैल्यू हमेशा 0 से स्टार्ट होता है एंड आई लेस देन एन. ओके, क्योंकि इंडेक्स वैल्यू लास्ट कहाँ तक जाती है, एलिमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस वन. इंडेक्स वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स माइनस वन. ओके, लास्ट इंडेक्स वैल्यू, हाँ ना कि इंडेक्स वैल्यू. सो यहाँ पर आई प्लस प्लस करके हम इसे रन कर देते हैं और इसके अंदर हम प्रिंट कराते हैं, प्रिंट एफ कराते हैं आई एंड देन पता है पाइथन में प्रिंट होता है और इसमें प्रिंट एफ होता है सी के अंदर. वाओ, अमेजिंग. ओके, सो यहाँ पर हम इसे लिख देते हैं इस तरीके से एंड देन विल जस्ट से आई ओवर हियर. ओके, सो हम इसे स्कैन करवा देते हैं एंड हम इसे सेव करवा देते हैं. बाद में किस में सेव कराना है, कहाँ सेव कराना है, हम इसे सेव करा देते हैं ए ऑफ आई के अंदर. ओके, सिंपल, दैट्स वेरी सिंपल, नॉट दैट डिफिकल्ट. ओके, सो अभी तक कहानी सिंपल ही चल रही थी एंड हम एक और फॉर लूप यूज करते हैं हैविंग सेम कंडीशंस आई इक्वल टू जीरो एंड आई लेस देन एन एंड आई प्लस प्लस. ओके, सो हमने सिमिलर कंडीशन यूज किया और हम इसके अंदर भी कुछ अच्छा सा लिखेंगे. सो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने सम इक्वल टू जीरो लिख दिया, वेल मैं इसे मिटाना भूल गया, शिट सॉरी. ओहो चलो मैं मान लेता हूँ मैंने यहाँ पर एक सम लिखा है, सम नाम का एक वेरिएबल डिफाइन किया जिसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया जीरो से. ऐसा मैंने क्यों किया उसका रीजन बता देता हूँ पर उससे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सम इक्वल टू सम प्लस ए ऑफ आई और मैं अगर ये बोलूँ कि हाँ यहाँ पर कोड खत्म हो चुका है लाइक हाँ इससे ही आपका प्रोग्राम रन होगा, आपको और कुछ समझने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं समझाएंगे ऐसा क्यों हो रहा है ये क्या लिखा है मैंने. बट हाँ, दैट्स ऑल अबाउट दिस हाउ यू कैन फाइंड द सम ऑफ ऑल द एलिमेंट्स इन हाउ यू कैन फाइंड द सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ एरे. ओके, सो अभी रन किस तरीके से हो रहा है लाइक ये वाला स्टेटमेंट आखिर क्या कहना चाहता है उसे हम थोड़ा यहाँ पर ऊपर देख लेते हैं क्योंकि यहाँ पर अगर मैं लिखूंगा तो समझ नहीं आएगा आपको इतना अच्छे से. तो यहाँ पे मैं मानता हूँ फॉर आई इक्वल टू जीरो है ना, मतलब आई की फर्स्ट वैल्यू. अच्छा, ऐसे अपन को कमेंट करना है और यहाँ पर हम लिखते हैं आई इक्वल टू जीरो. तो आई की फर्स्ट वैल्यू यहाँ पर जीरो है ये वाले लूप के अंदर. तो उस केस में क्या होगा, हमारा जो सम हो जाएगा, सम की इनिशियल वैल्यू क्या है, जीरो ऑलरेडी, प्लस आई ए ऑफ आई है ना. तो ए ऑफ आई यूजर ने जो दिया हुआ रहेगा वो रहेगा ए ऑफ जीरो मतलब. पर हम मान लेते हैं कि उसने फर्स्ट जो वैल्यू दी रहेगी वो लेट्स से वन है ना, और इस वजह से जो सम की नई वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी वन. ओके, सो वापस से जब हम फॉर लूप इस बार फॉर लूप चलेगा तो अब आई की नई वैल्यू क्या हो जाएगी, एडिशन की वजह से, या कहूँ हाँ एडिशन नहीं इंक्रीमेंटेशन की वजह से, इंक्रीमेंट की वजह से आई की नई वैल्यू हो जाएगी वन. ओके, और इस केस में सम क्या हो जाएगा, इस बार सम ऑलरेडी वन है पहले ही है ना, ऊपर वाले में सम लास्ट में वन था तो सम ऑलरेडी वन है खुद है ना, और सम प्लस ए ऑफ आई. तो अब ए ऑफ आई क्या हो जाएगा, अब लेट्स से उसने लिखा है दो, ये यूजर डिफाइन करेगा कि यहाँ पर वो एलिमेंट क्या स्टोर करना चाहता है, पर हम मानते हैं यहाँ पर वो टू स्टोर करा रहा है. तो अब नई वैल्यू क्या हो जाएगी, सम की हो जाएगी थ्री है ना, और वापस से हम फॉर लूप चलाते हैं और यहाँ पर लेट्स से आई इक्वल टू इस बार हो जाएगा टू एंड देन सम इक्वल्स टू थ्री प्लस थ्री. ओके, सो अब सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिक्स हो जाएगी. ठीक है, वापस से हम फॉर लूप चलाएंगे जैसे पहले चला रहे थे और इस बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी थ्री, और इस केस में सम की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिक्स प्लस फोर. ओके, सो अब जो सम की नई वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, 10 है ना, और लास्ट टाइम हम फॉर लूप चलाते हैं इस बार क्योंकि आई जो है अब हो चुका है 4 है ना, और हमें क्या चाहिए, हमें 5 से छोटा चाहिए तो वो 4 ही है, 5 तो नहीं चलेगा. ठीक है, तो अब सम की नई वैल्यू क्या आ जाएगी, सम इक्वल्स टू 10 प्लस, और हमारा जो नया नंबर हम लोग जो इनपुट देंगे वो देंगे 5. ओके, सो हमारा फाइनल आंसर आ चुका है टोटल 15, और हमें यही एक्सपेक्ट था है ना, मतलब अगर मैं 1 से लेकर 5 तक जितने भी नंबर्स हैं सब लिखता हूँ एक एरे के अंदर जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 15, और हमें वो यहाँ से मिल भी रहा है. तो अल्टीमेटली हम इस तरीके से लाइक हम एक एरे के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको ऐड कर सकते हैं ना, और कैसे हो रहा है चीज़ मैंने आपको यहाँ बता दिया. ठीक है, तो इसे रन करके देखते हैं एंड लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट, पर उससे पहले हम यहाँ पर प्रिंट करा देते हैं
sum of all the elements in array, और यहां पर हम % d लिख देते हैं और यहां पर बाहर हम लिख देते हैं sum. Okay, so now if I try to run this code from here, you can see the answer is already 5 minutes. Okay, कोई नहीं, 5 minutes for this question. Okay, so question number 3 है शायद तक. हाँ, यहां पर मैं 5 लिखता हूं and then I will say 12, not 12, 1 only, 2, 3, 4, 5. Okay, you can see the answer is 15 over here, जो कि सही बात है, मतलब सही answer. एंड लेट्स से मैं अब रैंडम नंबर्स देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, आप अपने कैलकुलेटर में चेक कर सकते हैं ये चीज़ सही है या नहीं है. ठीक है, तो मैं यहाँ पर मानता हूँ 5 नंबर 12, 25, 36, 47, देन 99. अच्छा, ये गलत हो गया, कोई नहीं, आप चेक कर लेना जो भी नंबर्स हैं इन सबको ऐड करके, क्या आंसर 693 आ रहा है कि नहीं, 639 आ रहा है कि नहीं आ रहा. ठीक है, सो दैट्स ऑल अबाउट एडिंग द नंबर्स, और आई कैन से एडिंग ऑल द एलिमेंट्स इनसाइड द एरे.